सो हेलो एवरीबॉडी, केम सो आई एम हार्दिक पटेल बैक विद न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग और हैप्पी न्यू टू ऑल। मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को सब अच्छी तरह से अपने दिवाली न्यू ईयर एंजॉय किया होगा। सो अभी आज फिर से आते हैं नए ब्लॉग के ऊपर। आप पीछे देख सकते हो मैं हूँ वापी मॉन्सून मशीन पे और अभी आया हूँ यहाँ पे एग्जॉस्ट चेंज करने। सो आपने थंबनेल देखा होगा, उसके हिसाब से आपने अंदाजा लगा दिया होगा कि आप किसके ऊपर ब्लॉग बनने वाला है और क्या होने वाला है। अपने ग्रुप में एक निंजा 300 है जो BS6 अभी अपने आयुष भाई ने ली है, अभी तेरा छोटा बच्चा, तो अभी उसने अभी ली थी, कुछ अप्रोक्स 3-4 महीने हो गए हैं। ऊपर से अभी फर्स्ट सर्विस भी हो गई है, तो बाइक को अभी निंजा बाइक है और पावरफुल बाइक है, तो अभी बाइक को एग्जॉस्ट चाहिए ही बाइक में। और साउंड के बिना कोई भी बाइक चलाओगे आपको फील आएगी। अगर आप 1000 cc की बाइक चला दोगे तो भी आपको ऐसे फील आएगा कि आप 1000 cc की बाइक चला रहे हो। अगर भागेगी साउंड नहीं आएगा तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। फिर अभी भाई ने अभी सोचा, घर से परमिशन भी ले ली और अभी फाइनली कुछ अभी टाइम के बाद लगा रहा है अभी बाइक में एग्जॉस्ट। तो अभी चेक करने वाले अभी कौन सा एग्जॉस्ट अभी अच्छा लगेगा। अभी वैसे एक्रोपॉइक का सोचा है और दूसरे भी, अब एक्रोपॉइक में 2 मॉडल है वो भी हम चेक करेंगे और उसके बाद एक ऐसी प्रोडक्ट भी अभी दिखा है वो भी चेक करके। तो अभी हम स्टोर में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कौन सा एग्जॉस्ट अभी है अवेलेबल। वैसे फ़ोन पर तो बात हो गई थी और बताया था कि 3 एग्जॉस्ट अवेलेबल है, तो अभी हम जाके देखते हैं अभी क्या क्या है और भी अपने बाइक में कौन सा सूट करेगा। सो आगे जाके चेक करते हैं, चलिए। सो गाइस, जो जो मेरे चैनल पर भी नया है हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका जो ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। सो कंटिन्यू करते हैं आगे ब्लॉग में। मॉन्सून मशीन स्टोर या द बाइकर्स पॉइंट, सो यहाँ पे आपको फुल एक्सेसरी मिल जाएगी बाइक की, आपको जो एक्सेसरी चाहिए वो। यहाँ अंदर जाते हैं हम। सो आप चेकआउट कर सकते हो मॉन्सून मशीन, ये बाइकर स्टोर है वापी में हाईवे के पास ही। आपको बाहर से दिखा देता हूँ, ये रहा अपना हाईवे, वापी हाईवे से ही आएगा आपको बीच में ही। और यहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पे हेलमेट बहुत सारा अवेलेबल मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट का स्टोर बहुत बड़ा है, स्टॉक बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का हेलमेट चाहिए वो मिल जाएंगे। और ये अपने संपूत भाई, ये स्टोर ऑनर है, मिल जाएगा आपको यहाँ पे स्टोर पे। सो आपको कोई भी चीज़ चाहिए यहाँ पे आप स्टोर पे विजिट कीजिए और आपको जो एसेसरी चाहिए वो आप यहाँ पे स्टोर पे बता सकते हो। कोई भी एसेसरी आपको मिल जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो फिर आप बाइक को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे सब एसेसरी लटकी हुई है, जरा बुलेट का एग्जॉस्ट। और अभी हम चेक करने वाले हैं ये अक्रापोविक। दूसरा ऐसे प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ अभी। सो ये रहा दूसरा ऐसे प्रोजेक्ट। अभी ये 3 एग्जॉस्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट, एक्रापोविक और ये एक्रापोविक। तो तीनों ट्राई करेंगे, उसमें से जो अच्छा लगेगा साउंड में वो डालेंगे। वैसे लुक के हिसाब से वैसे ये 2 एग्जॉस्ट मेरे को अच्छे लग रहे हैं, साउंड के हिसाब से देखते हैं दो में कंपेयर करके कौन सा अच्छा लगेगा, तो वो हम एग्जॉस्ट बाद में फिट कर देंगे। सो अभी एग्जॉस्ट लेके निकलते हैं बाहर और बाहर जाके बाइक में ऐसे फिट करते हैं। पहले बाइक को थोड़ा खोल खाल कर देते हैं। ये भाई है, उसका बाइक है, उसमें डालने वाले हैं एक्रापोविक जो बता रहा है शर्मा के। तो जरा अरे कवर करना पड़े तो बस। चलो पहले सुन,
यहाँ पर मजा आएगा भाई, मुस्कान की चमकान कहीं और। अभी एक नया जो स्पीड से दिखा है तो फिर वो ट्राई कर रहे हैं, अभी देखते हैं इसका भी साउंड। फाइनली गाइस, बहुत मेहनत करने के बाद, थोड़ा जुगा लगाने के बाद हमने बाइक में एग्जॉस्ट फिट कर दिया है। यहाँ पे हमने फाइनली एसी का सिलेक्ट किया है एग्जॉस्ट, तो भी वो फिट कर दिया। आपको अभी साउंड सुना देता हूँ क्लियरली, और आपको एक बार फ्लाई बाय सुना भी देता हूँ। सूर्य एसी का एग्जॉस्ट जो हमने डन किया है, मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। अभी हमें जो राइडिंग बजाया गया तो साउंड फील आएगी, और ऊपर से इसमें आपको हीट नहीं होगा साउंड की, आपका जो साउंड है ना अभी तो काफ़ी स्मूथ था और उसके हिसाब से बढ़िया था। तो आपको फिर से एक बार फ्लाइवर सुन देता हूँ, तो आपको इसको दे रहा हूँ। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन कनेक्ट कर दीजिए और फिर साउंड सुन लेगा।
फाइनली गाइस ये था निंजा 300 BS6 में एग्जॉस्ट फिटिंग का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, साउंड अच्छा लगा हो भाई बंद करने पर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, साउंड अच्छा लगा हो, आपको कौन सा एग्जॉस्ट अच्छा लगा आपको और ऐसे का साउंड कैसा लगा तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो में अगर अभी तक बने रहे हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कंटिन्यू रहेगा मेरे चैनल पे, क्योंकि नए नए ब्लॉग आते रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सो सी यू सून, स्टे सेफ।